यूपी के कासगंज में अनियंत्रित होकर एक कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के नवाब जमा मोहल्ला निवासी शिक्षक जफीर अहमद अपनी शिक्षिका पत्नी इराम जहां और अपने 3 पुत्रों के साथ दिल्ली एक कार्यक्रम में गए हुए थे, जहां से वह देर रात स्विफ्ट डिजायर कार से घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान डोलना थाना क्षेत्र के नगला खंगार के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई। वहीं तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना इलाका पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने शिक्षक जफील और उनके बेटों उस्मान इजहान को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी इराम जहां और बेटे इलमान का इलाज चल रहा है। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है।